हाँ जी क्लास, अब हम जो है इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स पे आ गए हैं कि हमने इसके न्यूमेरिकल कैसे करने हैं। स्लिप के साथ में टॉर्क के भी हैं, लेकिन क्योंकि टॉर्क हमारे टॉपिक में इंक्लूड नहीं है तो उस वजह से वो हम नहीं करेंगे। तो स्लिप के मैं आपको कराने लगा हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल तो सिंपल एक फार्मूला है 120 एफ और पी, वो तो एक जनरल है। अब हम जो दूसरा इम्पोर्टेंट भी है और आपके पहले एक बोर्ड में भी वो आ चुका है तो उसकी मैं पढ़ने लगा हूँ। एक टू पोल मोटर है जो कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। वो एक टू पोल मोटर है और वो थ्री फेज है जो कि रन कर रही है कितने आरपीएम पे, 3460 आरपीएम है उसके। अब हमने करना क्या है, कैलकुलेट द सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, स्लिप परसेंटेज स्लिप एंड स्लिप इन आरपीएम, और उसकी फिर स्लिप करनी है कि रोटेशन पर मिनट क्या है इफ़ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज पे है। 60 हर्ट्ज तो आमतौर पर क्लास हमारे पाकिस्तान में नहीं होती, ये दुबई सऊदी अरब या यूरोपियन कंट्रीज़ में होती है। अच्छा क्लास, अब हम जो है इसकी फाइंड कर लेते होते हैं। सिंपल, अब हमने करना क्या है, सिंक्रोनस स्पीड फाइंड करनी है। कैलकुलेट द सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड का पीछे हम फार्मूला देख चुके हैं क्लास, 120 एफ ओवर पी है, 120 फार्मूले में है, पोल इसके टू हैं, फ्रिक्वेंसी 60 है, सिंपल 3600 जो है इसके आरपीएम हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। अब हमारे पास स्लिप क्या है, स्लिप का फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको अभी अपने उसमें बताया था तो मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। क्लास ये देखें, ये हमारे पास स्लिप का है फार्मूला है और ये परसेंटेज स्लिप है। तो अब हम अपने उसी न्यूमेरिकल पार्ट पर चलते हुए, तो क्या हो रहा है क्लास, ये 3600 आरपीएम जो उसके सिंक्रोनस स्पीड से अभी हमने निकाली है, और एक रोटर की जो स्पीड है, मोटर की जो स्पीड है वो 3460 है, मीन्स के वो रोटर की ही स्पीड है, वो इससे माइनस हो रही है, डिवाइडेड बाय एनएस है। ये हमारे पास आंसर आया सॉल्व करने के बाद। अब क्योंकि परसेंटेज स्लिप में उसने बात की थी, ठीक है क्लास, तो क्या हो गया, स्लिप की बात की है फिर साथ में परसेंटेज स्लिप की बात की, स्लिप आ गई। अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल परसेंटेज स्लिप भी हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमने साथ साथ में क्या करना है, स्लिप भी हमने जो है ना स्पीड कितनी है इन आपस का, इनका स्लिप स्पीड मींस के इनका आपस का डिफरेंस कितना है, जो कि क्लास बनेगा सिंपल इनके डिफरेंस से, जो कि 3600 माइनस 3460 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 140 आरपीएम जो है क्लास हमारे पास इसका ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमने दूसरा न्यूमेरिकल कर लिया, अभी मैं आपको फोर न्यूमेरिकल कराने लगा हूँ, थर्ड इससे मिलता जुलता है, आप कर लीजिएगा। क्या है हमारे पास क्लास, एक 12 बोल है जो कि थ्री फेज ड्राइवन एट थ्री फेज अल्टरनेटर ड्राइवन एट स्पीड ऑफ 500 आरपीएम सप्लाईज ए पावर टू एन 8 पोल थ्री फेज इंडक्शन मोटर। हो क्या रहा है क्लास, हमारे पास एक 12 पोल का एक अल्टरनेटर है, मींस के जनरेटर है, या हमारे पास क्या है क्लास, एक स्टीम टरबाइन के साथ या किसी भी उसके साथ एक अल्टरनेटर, बिजली प्रोड्यूस करने वाला जो है जनरेटर लगा हुआ है, एक मोटर ही होती है, वो भी सिंपल अल्टरनेटर है, डीसी मोटर लगी हुई है जो कि करंट प्रोड्यूस कर रही है, अल्टरनेटर उसको है नेम दिया जाता होता है। उसके आरपीएम 500 है, वो एक 8 पोल थ्री जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई कर रही है। स्लिप ऑफ मोटर जो फुल लोड में है वो 3% है। अब हमने फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर फाइंड करनी है, इसलिए आपने इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना अल्टरनेटर की वजह से, जबकि हमारे अल्टरनेटर के आरपीएम 500 है, पोल तो उसके 12 थे। इसी तरीके इंडक्शन मोटर की क्या है, 8 पोल स्लिप फ्रिक्वेंसी फाइंड जो है सॉरी 3% है, और एन हमने रोटर की जो है उसकी स्पीड फाइंड करनी है, मोटर की फ्रिक्वेंसी हमारे पास गिवन है, इससे हम सिंक्रोनस स्पीड जो है अल्टरनेटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो हम फाइंड कर लेते हैं क्लास। 50 हर्ट्ज है, दैट मीन्स कि हमारे पास जो सिंपल फ्रिक्वेंसी सप्लाई में आ रही है ना वो 50 हर्ट्ज है, जिसकी वजह से हम सिंक्रोनस स्पीड में ये फार्मूला पुट कर सकते हैं। ये हमने कंफर्म करने के लिए किया, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी हमें गिवन नहीं थी। 50 हर्ट्ज आ गई, वहीं हमने सिंपल 8 पोल मोटर्स के लिए यूज़ कर लिया, इससे हमारे पास मोटर के आरपीएम आ गए हैं ना,
कि जो हमने फाइंड करने थे, मोटर सॉरी जो उसकी सिंक्रोनस स्पीड जो थी मोटर की, वो हमने फाइंड कर ली। अब क्योंकि हमने स्लिप फाइंड करनी है, उसके लिए हमारे पास स्टेटर की स्पीड का होना ज़रूरी था, सॉरी रोटर की स्पीड फाइंड करनी है। स्लिप भी कीमन है 3% और रोटर स्टेटर की स्पीड भी हमने फाइंड कर ली है। तो अगर आप देखें क्लास, ये देखें क्लास 3 इसकी स्पीड थी, और अब हमने जो है वो 750 जो फाइंड की थी। तो ओवरऑल इससे हमारे पास जो क्या है क्लास, एक रोटर की स्पीड हमारे पास आ गई है। ये इस तरीके से हमने है फोर्थ न्यूमेरिकल भी कर लिया है। अब मैं क्लास न्यूमेरिकल करने लगा हूँ, क्लास 6 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक 6 पोल इंडक्शन मोटर है जो कि 25 साइकिल पर सेकंड सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, मींस के उसकी फ्रीक्वेंसी 25 साइकिल्स है, और एक फुल लोड एंड एट ए फुल लोड ऑफ रूटर ईएमएफ मेक्स 125 कंप्लीट साइकिल इन 2 मिनट्स। और हमारे पास क्या हो रहा है, जो उसकी स्लिप की स्पीड बन रही है ना, द एट फुल लोड द रूटर ईएमएफ मेक्स 105 साइकिल्स इन 2 मिनट में बना रही है। तो रूटर की क्या हो गई हमारे पास स्लिप फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास 105 क्लास हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसकी परसेंटेज स्लिप और रूटर स्पीड फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास गिवन है सिंपल, क्योंकि साइकिल पर सेकंड भी कहते होते हैं ना फ्रीक्वेंसी को, जो कि हर्ट्ज में होती है। तो क्या हो गया, वही 25 हमारे पास सिंपल, क्योंकि सप्लाई 25 साइकिल पर सेकंड थी, इस वजह से वो हमने इसमें पुट कर दी है। हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड आ गई। अब क्या करना है क्लास, हमने इसमें क्योंकि हमने परसेंटेज स्लिप और रूटर स्पीड फाइंड करनी थी, तो क्या होगा, जो हमारे पास स्पीड गिवन है सॉरी उसमें स्लिप फ्रीक्वेंसी की सूरत में वो देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ साइकिल और टाइम इन सेकंड। ये क्लास क्योंकि साइकिल्स तो हमारे पास कितने थे क्लास, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी को हमने सेकेंड्स में निकालना होता है, इस वजह से 105 हमने नंबर ऑफ साइकिल्स को रहने दिया और टाइम्स को सेकंड में देखा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 2 मिनट्स में कितने होंगे, 120 होंगे, इसलिए इन साइकिल्स को हम सेकंड्स पे डिवाइड करते होते हैं। अब अगर आप क्लास देखें, जो ऊपर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 25 सेकंड्स साइकिल पर सेकंड है, ठीक है, इस वजह से ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, साइकिल इन 2 मिनट है, हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है ना क्लास हमारे पास। इस वजह से होगा क्या, इसको हमने 120 पे डिवाइड करेंगे तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई स्लिप स्पीड की, ठीक है। परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास क्लास क्या होता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये क्लास परसेंटेज का तो हमारे पास ये फार्मूला है ना, ठीक है, तो वही सेम एस उधर ही रह जाएगा, ठीक है, हम क्योंकि परसेंटेज में कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, एफ वही वाला सेम आ गया, जो स्लिप है स्लिप की फ्रीक्वेंसी है, और एफ सिंपल आ जाएगा। तो ओवरऑल ये डिवाइड करके हमारे पास परसेंटेज स्लिप आ जाएगी, और रूटर की स्पीड जो है हम स्लिप क्योंकि हमने फाइंड कर लिया परसेंटेज स्लिप, तो इसको पुट करने से इसके अंदर ये जो फार्मूला हमारे पास है रेडी, मैंने आपको थ्योरी में भी करा दिया, तो इससे उसके हमारे पास क्या है आरपीएम हमारे पास आ जाएंगे। रूटर की स्पीड कितनी, सिंक्रोनस स्पीड 500 थी, और हमारे पास उससे कम में जो है रूटर की स्पीड आ गई। तो क्लास हमारा जो है आज का न्यूमेरिकल्स पार्ट और इसके अलावा थ्योरी का पार्ट एंड होता है। तो आई होप कि आप इनके 10 न्यूमेरिकल्स हैं, इनको देखें, बहुत इजी है, आप कर लेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।